तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह हो गया, मैं उठ गया हूँ, सारा कुछ हो गया, बस ऑफिस जाने की तैयारी हो रहा है। तो आपको पता ही है मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ। तो देखो, अभी कॉफ़ी चढ़ाया हूँ, कॉफ़ी पीते हैं, फिर ऑफिस चलते हैं। और अभी पता टाइम हो रहा है 8:30 यहाँ पर, अगर फ्रांस का टाइमिंग के अनुसार यहाँ 8:30 हो रहा है। अभी इंडिया में पता ही कब हो रहा, 12 बज गया होगा, तो वहाँ आफ्टरनून हो रहा है, यहाँ गुड मॉर्निंग, वहाँ आफ्टरनून। तो चलते हैं ऑफिस, देखते हैं ऑफिस अब 9:30 तक तो पहुंच जाएंगे। ऑफिस जाने के बाद देखते हैं आज क्या क्या होता है। आज एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है यार, क्योंकि आज मेरा इंश्योरेंस वाला पता नहीं क्या लोचा हो गया है कुछ, तो उसी के रिलेटेड अब डिस्कशन करना है। अपने गाइड से भी पूछना है क्या करना आगे, देखते हैं फिर बताते हैं आपको, देखते हैं क्या होता है। मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कराना पड़ेगा लगता है उससे, इंश्योरेंस ऑफिस वालों से शायद। तो देखते हैं, वीडियो में बने रहूँ, आपको बताते हैं और भी इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या होता है, देख। ठीक है गाइस, तो लीजिए गाइस, अभी तो मेरा लंच हुआ है, लंच हो गया, लंच का टाइम यहाँ हो गया, अभी 1 बज रहा है, अभी यहाँ 1 बज रहा है, इंडिया में 4:30 बज रहा है। आप लोग अभी चाय पी रहे होगे और हम यहाँ लंच किए अभी जस्ट। लंच करने के बाद थोड़ा सोचा बाहर घूमते हैं यार, बाहर तो मौसम बहुत ही गंदा किया हुआ है, पूरा क्लाउडी है और थोड़ा थोड़ा होता है ना बूंदा बूंदी, वो हो रहा है। देखते हैं, थोड़ा देर टहलते हैं इधर, फिर चलते वापस से ऑफिस में, आज काम भी है थोड़ा कुछ। अभी गाइड ने बोला था यार कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, मैं बताया था ना हेल्थ इंश्योरेंस वाले मेरा की तरफ से मुझे आया था नोटिफिकेशन, तो उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। देखते हैं क्या होता है यार, टाइम लगेगा अभी, गाइड तो बोल रहा था यार 1-2 वीक लग जाएगा, तो देखते हैं अगर बन जाता है तो यार सही है। यार यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वाला बड़ा इशू होता है भाई साहब, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है ना, तो जिस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखते हैं, सेंड तो कर दिया, अब देखते क्या होता है। तो वीडियो में बने रहो और भी बताते हैं आपको और क्या क्या है ना गाइस। अभी तब तक हम टहलते हैं, थोड़ा हरा भरा है तो थोड़ा घूमते हैं, मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो मौसम कैसा है, देखो कितना बादल बादल है। अभी थोड़ा थोड़ा बूंदा हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, इस वजह से बाहर है, देख रहे हो कितना मौसम खतरनाक किया हुआ है। तो चलते हैं थोड़ा घूमते हैं भाई साहब, ड्रिजलिंग शुरू हो गया है तो इससे बढ़िया है बाहर घूमने से अच्छा चलते हैं, ऑफिस में ही बैठते हैं, वहाँ ड्रिजलिंग शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा तेज बारिश ना होने लगे तो इससे बढ़िया कि अंदर ही चलो, नहीं तो बारिश में अगर फंस गए ना बाहर तो दिक्कत है। चलते हैं ऑफिस, ठीक है गाइस, आज ऑफिस से निकल चुके हैं, कितने हैं शाम के 5 या 5:10 हो रहे होंगे अभी इंडिया में भाई साहब, कितने हो रहे होंगे 8:30, 8:30 या 9 हो रहे होंगे अभी, मतलब आप लोग का भी डिनर का टाइम हो रहा है, मेरा भी शाम में चाय का टाइम हो रहा है। चलते हैं गाइस, वहाँ से बस लेते हैं और चलते हैं अपना रूम, उससे भाई बस भी आ गया गाइस, तो जल्दी फटाफट बस पकड़ते हैं। आज का दिन भी सही रहा, काम वगैरह भी तो हो ही गया लगभग, आज PPT भी रेडी हो गया, इसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, तब तक बस पकड़ते हैं। तो गाइस ऑफिस से तो आ गया, अभी अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया। यार दिवस आज समस्या क्या हुआ पता है यार, ऑफिस से आते ही देख रहा हूँ कि नल का जो पानी है ना वो यार ठंडा ही आ रहा है, गर्म नहीं आ रहा, और यार ठंड है थोड़ा, यार ठंड पानी से काम होगा नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत आ गया। तो मैं फ़ोन तो कर रहा हूँ ऑफिस में, लेकिन यार फ़ोन उठा नहीं रहा है कोई, तो लगता है मुझे वहाँ ऑफिस ही जाना पड़ेगा डायरेक्टली, उसको कहना पड़ेगा कि यार गर्म पानी नहीं आ रहा है, समस्या हो जाएगा। अगर सुबह नहाना होगा मुझे तो यार दिक्कत हो जाएगा ना, फिर ऑफिस कैसे जाऊँगा मैं, एक समस्या ही हो गया। ठंडा पानी तो ठंडा, पूरा ठंडा यार, जान ही रहो ठंड में कितना ठंडा हो जाता है नल का पानी। तो इन्होंने एक्चुअली हीट इसके पता नहीं ऑटोमेटिक है, एक ही नल से ठंडा पानी भी आता है, गर्म पानी भी आता है, नॉर्मल भी आता है, तो दोनों तो आ रहा है, ठंडा आ रहा है नॉर्मल आ रहा है, लेकिन वो जो है ना गर्म वाटर थोड़ा वो नहीं आ रहा यार। तो अभी मैं जाके ऑफिस में बोलता हूँ, कंप्लेन करता हूँ यार कि क्या दिक्कत हो गया, दिमाग ख़राब कर दिया यार, परेशान माथा खराब। देखते हैं गाइस, वीडियो में बने रहो, देखते हैं ऑफिस जाके चलते हैं क्या बोलता है, फिर आपको बताते हैं, है ना गाइस। तो भाई साहब अभी ऑफिस से आ रहे हैं और ऑफिस अभी निकले, पूछा मैंने कि क्यों नहीं आ रहा है गर्म पानी, पता है इन्होंने क्या बोला, 4 दिन तक पानी नहीं आया गर्म। भाई साहब मैं तो शॉक्ड हूँ, 4 दिन में करूँगा क्या, 4 दिन पानी नहीं आया गर्म वाला, ठंडा पानी से काम करना पड़ेगा भाई साहब, बड़ा दिक्कत है यार, फिर तो कैसे काम चलेगा पता नहीं, नहाना भी कल कैसे नहाएंगे यार, ऑफिस कैसे जाएंगे बिना नहाए, और ठंडा पानी से आप नहा नहीं सकते यार, और ठंडा तो पूरा चिल्ड वाटर है, कैसे नहाओगे आप, बड़ा समस्या हो गया यार, हाउ टू मैनेज, ओह माय गॉड, अब पता क्या करना होगा।
ऑफिस थोड़ा लेट जाएंगे और क्या, ऐसे ही करना पड़ेगा यार, ऑफिस थोड़ा लेट जाओ तब ठंडा पानी से नहा भी सकते हो। अरे ठंडा भी रहता है, बहुत ठंडा रहता है भाई, कैसे नहाएंगे यार। अब देखते हैं गाइस कैसे मैनेज होता है, आपको अपडेट देते रहेंगे। भाई साहब नहा तो लिया यार ठंडा पानी से यार, अभी आया ना मैं जैसे ही उस ऑफिस से तो थोड़ा गर्मी आ गया शरीर में, किस वजह से मैं फटाफट नहा लिया ठंडा पानी से यार। सुबह तो इतना ठंड पानी से सुबह तो नहीं नहाया जाएगा भाई साहब, तो इस वजह से बढ़िया अभी नहा लिया, आराम से कल ऑफिस जा सकते हैं। बढ़िया यार, थोड़ा बिंदास हो गया, एक तो समस्या ख़त्म हुआ, कल का व्यू देखेंगे यार, अगर कल भी इसी तरह का रहा तो कल भी शाम ही नहा लेंगे यार अगर हुआ तो। अब देखते हैं, अब खाना का भी प्लान बना रहे रात का खाना का, तो अभी मैं सोच रहा हूँ रात में यार बनाता हूँ चावल दाल और आलू का चोखा, है ना, मस्त प्याज वाला, प्याज में भूंज के जो बनता है चोखा, मतलब तो वो टेस्टी लगता है खाने में, तो वही प्लान मैं बना रहा हूँ। तो बनाते वही चावल दाल और आलू का चोखा, बताते हैं वीडियो में बने रहो और दिखाता हूँ मैं आपको चावल दाल आलू का चोखा। दाल भी एक्चुअली मैं यहाँ पर अरहर दाल ना यहीं पर खरीदा, आपको मैंने दिखाया है दो तीन वीडियो पहले, जो इंडियन ग्रोसरी यहाँ पे है वहाँ से मैंने वो दाल लेके आया हूँ अरहर वाली, अरहर दाल वहाँ मुझे मिल गया था, और मसूर वाली भी दाल मिला, मूंग दाल भी मिल गया, तो मैंने दो तीन वैरायटी का दाल ले आया, तो उसी को मिक्स करके बना रहा हूँ दाल चावल और आलू के चोखे। तो वीडियो में बने रहो गाइस, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा दाल चावल चोखे। ओके तो लीजिए गाइस, फिर से मैं किचन में आ गया हूँ और अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। बनाने क्या, मैंने चढ़ा दिया है दाल और साइड में आलू बॉयल होने दिया है, दाल बनने के बाद उसी कुकर में ही चावल भी बन जाएगा यार, दाल को निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, फिर चावल भी उसी में डाल देंगे, है ना, और थोड़ा ज़्यादा बना लेंगे कल के लिए भी हो जाएगा लंच, है ना, फिर आराम से डॉक्टर के वहाँ ऑफिस में गर्म कर लेंगे, हो गया काम यार, इतना ही तो चाहिए होता है कि नहीं। अब देख सकते, देखो किधर दाल चढ़ा हुआ, देख रहा कुकर, आपको दिख रहा है कुकर, दाल तो लगभग बन गया है और अभी आलू बॉयल हो रहा है, तो आलू बॉयल होता है तब तक इधर दाल को निकालते हैं और चावल डालते हैं और बनाते हैं, उसके बाद फिर उधर फिर साइड में फिर आलू को भून लिया जाएगा चोखा के लिए, है ना गाइस। तो ये रहा मेरा खाना का आज का तैयारी, बता ही सकता सादा जीवन कुछ विचार, है ना। तो देखते हैं यार क्या होता, वीडियो में बने रहो फिर बताते हैं कैसा है मेरा डिश। और गैस कल के वीडियो में आपको मैं बता रहा था कि मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे तो धूप नहीं निकला था, सूखा नहीं, तो आज पता है आज धूप खिला खिला निकला यार, मतलब दिखा नहीं रहा था कि आज धूप निकला, पूरा दिन बारिश दिखा रहा था, लेकिन आज धूप निकला है पूरा दिन, वो भी निकला, तो कपड़े को डाला धूप में यार, थोड़ा कपड़े सूख गए, बच गया। तो अभी देख लो अभी भी सूर्यास्त होने वाला है, देख सकते हो पीछे अभी सूर्यास्त होने वाला है, जस्ट 10 मिनट में हो ही जाएगा लगभग, है ना। तो गैस खाना पीना हो गया यार, चावल दाल मस्त मज़ा आ गया खा के, चोखा था ही अच्छा बन गया यार, चोखा भी बढ़िया भूना ना तो उससे टेस्ट और भी बढ़ गया भूनने के बाद, बस खाना सही रहा। और अभी यार थोड़ा देर पहले घर से भी फ़ोन आया था, तो बात तो हो गया घर से भी, अब बढ़िया, तो फ़ोन से बात है यार, हम तो स्काइप पे ही करते हैं यार, व्हाट्सएप पे भी ठीक ठाक हो जाता है कॉल, लेकिन स्काइप ज़्यादा बढ़िया लगता है बात करने में, अगर बात उत करना हो तो स्काइप पे इजीली अच्छे से बात होता है, उससे वीडियो कॉल में ना जो फिगर होता है ना वो ढंग का आता है, मतलब ठीक ठाक। तो सारा कुछ अच्छा रहा यार, आज दिन भी ठीक रहा, ऑफिस भी सही गया, थोड़ा सा लोचा हो गया यार इसमें मेरा हेल्थ इंश्योरेंस वाले में, देखते हैं यार अब कल क्या होता है, देखते हैं कल जा अगर हो सकता है मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस में, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिस जाके वहाँ से कुछ शायद वो डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलेंगे, देखते, मैंने पापा को बोला यार बर्थ सर्टिफिकेट टिकट के लिए, देखते कब तक बनता है यार, वो बन जाए ना तो फिर क्या होता है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी आते हैं, मतलब जो रेंट यहाँ पे पेम करते हैं ना उसका कुछ परसेंट हमको मतलब बैक करता है वो बंदा, वापस भी करता है कुछ, तो देखते हैं यार हो जाता है सब कुछ तो ठीक है। तो बताओ यार आज का वीडियो, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, और भाई कमेंट बॉक्स में लिखो कुछ कुछ, बताना यार कैसा लगा और क्या चाहिए आपको कुछ यहाँ के बारे में जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा। तो आज का दिन भी ठीक रहा, और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर दो,
और बगल में बेल आइकन को, बेल आइकन को दबाओ यार, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सब बखेर, क्योंकि यहाँ 9 बज गए, आपके यहाँ तो 12:30 1 बज रहा है यार अभी तो ठीक है भाई, गुड नाइट, सी यू।